जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, और जब तक नहीं पड़ते हथौड़े की चोट तब तक तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। मेरा नाम शबीर खान जी को यू आपकी तरह बिल्कुल आपकी तरह एक ऐसी एकेडमिक सेशन को अटेंड करने का मौका मिला, तो मैं अपने बारे में आपको जरूर बताऊं। आई बिलोंग टू द वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली, 10th स्टैंडर्ड पास किया था, 10th से आई हैव बीन वर्किंग एज अ ट्यूटर, 10th से ही मैंने अपनी फाइनेंशियली जो भी जरूरत होती, जो भी नीड्स होते उसको कंप्लीट करना शुरू किया, उसको ओवरकम करना शुरू किया, मेहनत करता गया। आई हैव वेरी बिग ड्रीम कि जिंदगी के अंदर कुछ बढ़िया करना है। 10th में अच्छे नंबर से पास किया सीबीएसई से, 12th मैंने बिहार बोर्ड से पास किया, उसमें भी बहुत अच्छा नंबर था। एक कोशिश हमेशा दिल के अंदर रहती थी कि जब भी स्कूल जाता था, सेकंड क्लास से लेकर 10th क्लास तक जब भी मैं स्कूल गया हूं मैं पैदल गया हूं। आई वॉज नॉट हैविंग इवन अ बाइसिकल, मेरे पास एक साइकिल भी नहीं थी, और मम्मी पापा से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं कर सकता था क्योंकि घर की हालात मुझे पता था। आई हैव अ वेरी बिग ड्रीम, लाइफ में कुछ बढ़िया करना है। बड़ी गाड़ी, लंबी ऐसी गाड़ियां जब भी गुजरती थी तो उनका नंबर में नोट करता था, एक शौक था कि मेरे पास भी लंबी गाड़ियां होंगी। घर की हालात देखकर ऐसा कभी लगता नहीं था कि ऐसा हो पाएगा, सपने थे बहुत बड़े बड़े, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए फ्यूल कभी नहीं मिल पाया था, एक प्लेटफॉर्म कभी नहीं मिल पा रहा था। मेरी सपनों की उड़ान बहुत बड़ी थी, फ्लाइट बहुत लिटरली वेरी बिग, लेकिन मेरे पास कुछ रनवे नहीं था। एक दिन ऐसे एक बच्चा आता है, एक ऐसे फ्रेंड आता है, बोलता है तेरी लाइफ बदल सकती है अगर सिर्फ तूने 2 घंटे की सेक्शन अटेंड कर लिया। मैंने बोला बिल्कुल बदलना चाहता हूं, डेफिनेटली लाइक टू टर्न माय लाइफ। मैं उस जगह पर बैठा, और बैठने के बाद जब मैं बैठा तो एक गरीब सोच के साथ बैठा था, और जब मैं उठ रहा था तो आई वाज गेटिंग अप विद अ बिलीव कि यस मैं भी अपनी जिंदगी के अंदर कुछ बहुत बढ़िया कर सकता हूँ। एक विश्वास पैदा हो गया था उस पूरी की पूरी सेशन में, एक गजब का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया था, और रीजन इसलिए था क्योंकि मेरे ही जैसे कुछ बच्चे स्टेज के ऊपर थे जिनके अंदर जज्बा, जिनके अंदर जुनून, जिनके अंदर हिम्मत और जिनके अंदर चाहत पहले से थी, सिर्फ उनको किसी ना किसी दिन एक मौका मिला था। बिल्कुल मुझे भी आप लोगों की तरह या उन बच्चों की तरह एक मौका मुझे मिला था, और मुझे उस मौके का फायदा उठाना था। घर गया, I was not having that much of money, but I somehow arranged that money to get attached, to get registered to this platform. मेहनत करना शुरू किया, और मैं आपको सच बताऊं, इस इंडस्ट्री के साथ बहुत टाइम से मेहनत कर रहा हूं, करते करते मुझे भी नहीं पता था कि I would be getting such a wonderful achievement. मुझे अच्छा बोलना नहीं आता था, आज अच्छा बोलना आता, बहुत अच्छा नहीं आता, अच्छा आता है। मेरे पास एक अच्छा कम्युनिकेशनल स्किल नहीं था, आज मेरे पास है। मेरे पास एक अच्छी पर्सनालिटी नहीं थी, आज मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हद तक जरूर है। मेरे पास बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, आज मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस कि शायद दुनिया के किसी भी इंसान के सामने बैठकर अपने आप को बहुत शालीनता के साथ इंट्रोड्यूस कर सकता हूं। ट्रस्ट की जाए, डिडंट हैव दैट मच ऑफ ट्रस्ट, मुझे खुद के ऊपर विश्वास नहीं था कि मैं जिंदगी के अंदर कुछ बड़ा बन सकता हूं। फिर मैं सोचता था बैठकर सोचता था क्यों, वाई एक चाय बेचने वाला इंसान भी आज इतनी बड़ी देश को संभाल सकते हैं, वाई बहुत गरीबी से जीवन जीने वाला इंसान आज किंग ऑफ बॉलीवुड बन सकता है। अगर सब कुछ इस दुनिया में कोई भी इंसान अगर कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर सकता है तो रीजन बिहाइंड कि उसके पास वैसा माहौल और उसके पास वैसा एनवायरमेंट, वैसा उसके पास एक प्लेटफॉर्म मिला था, दीज टू थिंग्स, यही दोनों चीज मुझे भी मिली। माहौल मुझे इस जगह से मिला, एक प्लेटफॉर्म मुझे मिला, और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर मेहनत करना शुरू किया। ट्रस्ट कीजिए, 2000 की मोबाइल फोन वाज अ वेरी बिग डील फॉर मी, मेरे मम्मी पापा 2000 रुपए की मोबाइल फोन मेरे लिए बहुत बड़ा इशू था, लेकिन आज जो मोबाइल फोन लेकर घूमता हूँ इस इंडस्ट्री की देन है कि उस मोबाइल फोन की कीमत 1,20,000 रुपए एप्पल की आईफोन लेकर आज एंजॉय कर पाता हूँ। बिलीव कीजिए मुझे बहुत अच्छा लगता है बताने में कि मेरे पास कल कुछ नहीं था, आज अगर कुछ भी है तो इस इंडस्ट्री की देन है। और ट्रस्ट कीजिए, I was not having a cycle, and even मेरे पास एक साइकिल नहीं थी, छोटे भाई को गिफ्ट करा 1.5 लाख रुपए की बाइक। बिलीव कीजिए इस इंडस्ट्री के साथ चलते हुए जो एक सपना हुआ करता था कि कभी 5-स्टार होटल्स के अंदर एंजॉय कर पाऊं, कभी ऐसे प्लेट पे खाना खा पाऊं जिस एक प्लेट की कीमत, एक प्लेट खाने का कीमत 5,000-6,000 ऐसा करके हो, ऐसे जगह पर रह पाऊं जहां पर रहने की कीमत सिर्फ 3 से 4 दिन के लिए 40-40 हजार 50-50 हजार लगते हैं। ट्रस्ट कीजिए इस इंडस्ट्री के साथ चलते हुए वो सारी बड़ी जिंदगी देख पाया जो हमें और आपको बड़ा बनने के लिए चाहिए होता है, और वहां से लौट कर आया, फिर मेहनत करना शुरू किया। बहुत दर्द और बहुत तकलीफ सही, जनरल ट्रेन के धक्के खाकर यात्रा करें,
बसेस में यात्रा करा, ऑटो में बहुत बुरा लगता था जब ड्राइवर बोलता था ऑटो वाला कि नहीं पीछे नहीं आगे बैठे हो, ड्राइवर के बगल में सफर करने में कितनी कैसा लगता है आप शायद बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस हो रहा होगा, इनफैक्ट कई लोगों ने कर चुका होगा। ट्रस्ट कीजिए ऐसी सोच के साथ मेहनत करना शुरू किया कि खुद की, और जब भी मीटिंग में आता था जब किसी की गाड़ी एंट्री करती थी ऐसा लगता था कि मेरी गाड़ी कब आएगी, कब मेरे पास एक ऐसी फोर व्हीलर आएगी और कब मैं उस गाड़ी के अंदर बैठकर जाऊंगा। बिलीव कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, वो कहते हैं ना कि इंसान, हर एक इंसान का ड्रीम होता है, आई टू हैव अ ड्रीम टू बी एन ओनर ऑफ फोर व्हीलर, और वो फोर व्हीलर का मालिक, मैं आपको वो बताऊं, वो फोर व्हीलर 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख की नहीं है, जिस फोर व्हीलर के साथ आज पटना के सड़कों के ऊपर एंजॉय करता हूं उस फोर व्हीलर की कीमत करीबन 15 लाख रुपए और उसका नाम फॉक्स वैगन के वेंटो। जैसे आप नीचे उतरेंगे सीधे सीधे आपको एक ब्राउन कलर की गाड़ी दिखेगी, और ब्राउन कलर इसलिए क्योंकि दैट इज माई फेवरेट कलर, और गाना आपने भी सुना होगा कि टी शर्ट से मैचिंग फरारी हो अपनी, अभी अपने पास फरारी नहीं आई है लेकिन जो कुछ भी है आज बिलीव कीजिए मैं ऐसी सोचता हूं, यही चीजें मन के अंदर सोचता हूं। माय बेस्ट फ्रेंड इज वर्किंग विद मी मिस्टर फरोज अली खान जी, एक जबरदस्त अप्लॉज होना चाहिए। आज आई डू थिंक दैट पैसे कमाया एक अलग बात है, इस इंडस्ट्री के साथ चलते हुए अभी जो बायोसेस के अंदर मैंने काम किया है तकरीबन पिछले 6 हफ्तों के अंदर, लास्ट 6 वीक जो हमने टर्नओवर दिया वो करीबन 8.5 लाख रुपए का है, जो अभी तक टोटल जो टर्नओवर दिया हूं इस ऑर्गेनाइजेशन को, हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ऑनवर्ड्स आई डू बिलीव दैट इज समथिंग लाइक 12 to 13 लाख, 12 से 13 लाख से ज्यादा का टर्नओवर इस ऑर्गेनाइजेशन को दिया चलते हुए, जो मेरे सिर्फ पिछले कुछ हफ्तों की जो आमदनी है वो 1.25 लाख रुपए, और अगर पिछले सिर्फ 10 दिनों के इनकम की बात करूं तो 10 दिनों की जो मेरी इनकम है वो करीबन 25,000 रुपए के, और इस इंडस्ट्री के साथ चलते हुए आज बहुत आगे जाना है, बहुत लोगों की मदद करनी। एक ही चीज बताऊंगा कि आपके अंदर अगर बिलीव है, अगर आपके अंदर एक पागलपन है, अगर आपके अंदर एक जुनून है, दिस प्लेटफॉर्म इज वेटिंग फॉर यू, ट्रस्ट कीजिए। शायद मतलब शाहरुख खान बन गया हमें और आपको बहुत बड़ा बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता हो, लेकिन मैं शाहरुख खान नहीं हूं, मैं आपके जैसे आप ही के घर और आप ही के जैसे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाला बिल्कुल आपके बीच का एक बच्चा हूं, और अगर मेरे जैसा इंसान यहां पर आ सकता है, जिन लोगों को भी आपने सुना अगर वैसे लोग यहां पर अपने आप को पहुंचा सकते हैं तो आई डू डेफिनेटली बिलीव कि आप में से बेटा हर एक इंसान यहां पर आ सकता है। विद दिस थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सर, बहुत आसान होता है वहां पर बैठ के तालियां बजा लेना, बहुत मुश्किल नहीं होता है, राइट, बहुत आसान होता है कुछ कुछ फुस करके आपस में बात कर लेना। ट्रस्ट कीजिए जिस दिन आप यहां पर पहुंचेंगे उस दिन शायद आपको एक बात एहसास जरूर होगा कि अगर 2 घंटे 2.5 घंटे से कोई बंदा अगर आपको खड़ा कर कुछ बात समझाने की कोशिश कर रहा है तो उसके अंदर कितनी बड़ी पावर, कितनी बड़ी गट्स के साथ वो आपके सामने खड़ा है। बिलीव कीजिए अगर कहा जाता है अगर आप एक विनर को रिस्पेक्ट कर सकते हैं तो ही आप जाकर जिंदगी के अंदर एक विनर बन पाते हैं, अगर आपने कभी जिंदगी में एक विनर की कदर नहीं करी, एक विजेता की कदर नहीं करी तो आपको हक कभी जिंदगी के अंदर एक विजेता बनने का नहीं होता। जितनी ज्यादा तालियां आप दिल से उस इंसान के लिए बजाते हैं जो आपके सामने खड़ा होकर आपसे कुछ डिस्कस कर रहा है, आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, आपको रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपने उस रास्ते पे चल दिया और सही तरीके से मेहनत आपने कर लिया तो ना सिर्फ आपकी जिंदगी बदलने वाली है बल्कि आपके खानदान में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा और आपके देश में, आपके प्रदेश में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो आपके नाम और आपके माता पिता का नाम नहीं जान पाए, शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा। मैं चाहूंगा एक जबरदस्त अप्लॉज बैठे नहीं खड़े होकर एक जबरदस्त अप्लॉज होना चाहिए हमारे फ्रेंड के लिए।